नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन एकीकृत माध्यमिक शाला गुंदराई टोला के हाल बेहाल। ग्राम गुंदराई टोला में शासकीय माध्यमिक शाला के हाल बड़े खराब चल रहे हैं, जिसमें 7 शिक्षक में से 4 उपस्थित थे और 3 शिक्षक गायब मिले। मध्याह्न भोजन में शुक्रवार को सब्जी में मिलने वाली दाल तो खाली मेनू में लिखी थी, लेकिन थाली में गायब मिली और गुंदराई टोला स्कूल का स्तर पढ़ाई में बिल्कुल गिरा हुआ मिला, जिसमें बच्चों की पढ़ाई तो पढ़ाई जनरल नॉलेज तक का बच्चों को ज्ञान नहीं है। एक शिक्षक झूठ बोले, शिक्षक से पूछा गया कि मैडम की छुट्टी लगी हुई है, तो शिक्षक ने पहले घुमा दिया कि छुट्टी लगी हुई है और बाद में सच बोला कि मैडम की कोई छुट्टी नहीं है, बस शाला आए ही नहीं। गांव वाले बच्चों के पालकों ने बताया कि स्कूल कभी भी टाइम से नहीं खुलता है और टीचर कभी टाइम से नहीं आते हैं, आने के बाद जल्दी ही घर भाग जाते हैं। संकुल प्रभारी का कहना है, सांचेत संकुल प्रभारी करण सिंह राठौरिया का कहना है, हम सभी शासकीय माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला के शिक्षक को बता चुके हैं, शाला टाइम से पहुंचे और टाइम से शाला बंद करें। आज तो जो शिक्षक अनुपस्थित थे उनकी एक दिन की सैलरी हमारे द्वारा काटी जाएगी और आज के बाद अगर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित मिलें या टाइम से शाला नहीं पहुंचे तो उन शिक्षकों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। खाने के लिए डेली मिलता है रोटी कितनी मिलती है यहाँ पे? 4 से ज्यादा नहीं देते? नहीं देते, चलिए ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हो आप सर? कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं आपको? हिंदी पढ़ा रहे हैं? अच्छा सर, आपका हिंदी विषय नहीं हो तो क्या हो? कोई टीचर नहीं था तो मैथ के सवाल दिए पहले, फिर बाद में हिंदी के। मतलब आपका विषय कौन सा है सर? हाँ, सोशल साइंस। सोशल साइंस है तो आप अभी मैथ पढ़ा रहे हो? मैथ पढ़ा के बच्चों भरे इमला बोलने लगा हिंदी का। तो आप मिक्स कोई भी विषय पढ़ा सकते? टीचर भी नहीं ना यहाँ पे, सी एल पे मैडम। तो टीचर और लोग कहाँ गए? आए वो इमरे से खा के वो सी एल पर हैं, छुट्टी पे आए। छुट्टी पे है कौन? इमरजेंसी है खाका। अच्छा, वो छुट्टी पे है। तो उनने आज की एप्लीकेशन डाली होगी ग्रुप में? एप्लीकेशन डाली है ना ग्रुप पर, तो हम देख सकते हैं ना? हाँ, वो क्या आप उसको बोलो और हम चेक करें तो आप गलत पाओ, इसलिए सर मैं आपसे सर कि आप ऐसे विद्यालय नहीं आ रहे हो तो आपके संकुल में हो सकता है नियम बात हो गई हो वहाँ पे। नहीं, नियम बने, एक नियम है, आप नहीं आ रहे ऐसे विद्यालय आप नहीं आते तो आपका एक व्हाट्सएप पे एक एप्लीकेशन बनाया गया है कि उस पर आप अपनी एप्लीकेशन लिख के तो आपके जो प्राचार्य जी है करण सिंह राठौरिया जी वही लगते हैं यहाँ पे संकुल के सांचेत ही लगता है ना आपका, तो वहाँ पे एप्लीकेशन पहुँचा सकते हैं। तो वहाँ पे उनने एप्लीकेशन नहीं पहुँचाई, डाल दी होगी उनने, वो चेक करवा लेंगे। वो तो हम चेक करवा लेंगे। देखो जो है आप सच बताइए, ये नहीं है नहीं, वो आप काम देखो तो कर रही है, ऑनलाइन काम कर रही है। आप देखो, आप हमसे झूठ बोलो, हम अभी चेक करवाए तो आप उसमें गलत पाओ जाओ, इसलिए जो भी है आप सत्य बताइए। स्कूल का काम ऑनलाइन होता नहीं, ग्रुप पे तो अभी डाले नहीं अपने, इस पे नहीं डाले नहीं तो बस ठीक है। क्या नाम है मैडम का? रिचा वैद। रिचा वैद, चलिए ठीक है। आप ड्रेस पहन के नहीं आए? आपके पास ड्रेस नहीं है क्या? तो ड्रेस पहन के क्यों नहीं आए? अच्छा, धुली नहीं है। स्कूल से मिली अभी ड्रेस आपको? हाँ, मिल गई। नई ड्रेस मिली है ना? हाँ। तो सर कुछ नहीं बोलते आप ड्रेस पहन के नहीं आते तो? तो क्यों नहीं आते आप? सर जब बोलते हैं कि आप ड्रेस पहन के आओ तो फिर क्यों नहीं आते आप? तो आज ही नहीं आते या डेली नहीं आते? आज ही नहीं आते। कौन सी क्लास है? कौन कौन सी क्लास के बैठे हैं इसमें? चार क्लास बैठी है? तीन क्लास बैठे हो? चलिए, तो आप सब मिक्स एक साथ में पढ़ते हो कि अलग अलग पढ़ाते हैं सर? क्लास बाई क्लास पढ़ते हो कि सबको साथ में पढ़ाते हैं? हाँ नहीं, आप जो है सच बताओ, यदि कोई कमी है हम सर से बोलेंगे, वो पूरा करेंगे उनको। ऐसे आपको अलग पढ़ाते बोल रहे हैं, क्लास में क्लास पढ़ते हो कि अलग अलग इकट्ठे बैठे? ऐसे पहली क्लास की अलग पढ़ते हो, दूसरी की अलग पढ़ते हो, तीसरी की, या सब साथ में? अलग 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 पढ़ते। आप कौन सी क्लास में हो?
तीसरी में हो, क्या पढ़ रही हो आप? ये अभी क्या पढ़ रहे हो आप? पहाड़े पढ़ रहे हो। कहाँ तक आते हैं पहाड़े आपको? पाँच तक आते हैं। चार का सुनाओ। चार का नहीं आता, पाँच का। पाँच का ही आता, चार का नहीं आता। तीसरी क्लास में आ गई अभी आप, पाँच तक पहाड़े भी नहीं सिखाया आपको सर ने? सिखाया। तो फिर क्यों नहीं आते? चलिए ठीक है।